फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में गिवन है इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड विद नेग्लिजिबल स्पीड फ्रॉम नेगेटिव प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और ये नेगेटिव प्लेट है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिपेल हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज ऊपर की तरफ जाएगा एंड यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। तो क्योंकि चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो इट विल मूव इन अ सर्कल, तो सर्कुलर पाथ होगा। अब सर्कुलर पाथ में जब वो मूव करेगा तो कह रहे हैं जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं उनमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू कितनी है, वी है। तो इन प्लेट्स में पोटेंशियल डिफरेंस वी और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स डी है। शो दैट इलेक्ट्रॉन विल फेल टू स्ट्राइक अपर प्लेट इफ डी इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू। अब देखो इसमें क्या केस बनता है, केस नंबर वन ये बनता है कि मैंने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिलीज किया, सर्कल में मूव करेगा, डिस्टेंस डी है, तो रेडियस इसका अगर, तो मान लो इसने इसको स्ट्राइक कर दिया, अगर इसने इस प्लेट को स्ट्राइक किया, इसका मतलब क्या होगा कि जो रेडियस है, जो रेडियस है बहुत बड़ा है और डी से भी बड़ा है, रेडियस डी से भी काफ़ी बड़ा है। क्योंकि अगर मैं ये वाला केस इमेजिन करता हूँ कि सपोज करो रेडियस और डी बराबर हैं, डी रेडियस के इक्वल है, तो ये केस बनता है। और अगर मैं बोलता हूँ रेडियस बड़ा है डी से, तो यानी कि फिर तो प्लेट को स्ट्राइक करेगा ही करेगा। और मैं इस क्वेश्चन में ये बोल रहा हूँ कि वो स्ट्राइक ना करे, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन इसे स्ट्राइक ना करे प्लेट को, तो मुझे ये नहीं बोलना चाहिए कि रेडियस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डी से कम, रेडियस कम होगा ऑटोमेटिकली, रेडियस कम रखोगे तो डी से स्ट्राइक नहीं होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? और मैं भी यही चाहता हूँ कि स्ट्राइक ना हो, तो इसकी जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, वो कंडीशन यही तो बनेगी कि रेडियस इज लेस देन डी या डी इज ग्रेटर देन रेडियस। और सर्कुलर पाथ में रेडियस क्या होता है, एम वी बाई बी क्यू। तो पहला स्टेप क्लियर है, क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये आपके पास पहला स्टेप है। दूसरा, अब प्रॉब्लम क्या है, आपको जो प्रूव करना है उसमें वेलोसिटी नहीं है, उसमें वी फॉर पोटेंशियल है। तो आप एक काम करें, आप वेलोसिटी निकाल लें। वेलोसिटी निकालने के लिए पार्टिकल कैसे जा रहा है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस बाई डिस्टेंस डी, तो वी बाई डी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ क्या है, क्यू ई बाई एम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इसमें एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस कर रही है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा ऊपर और डी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ऊपर, तो वाई एक्सिस में अगर इक्वेशन लगाई जाए, ओनली वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसमें, जीरो, फाइनल क्या है, वी, और टू इंटू क्यू ई बाई एम एक्सेलेरेशन है, और डिस्टेंस वाई एक्सिस में डी है। तो यहाँ से क्या आ गई, वेलोसिटी वी आ गई। तो सॉल्व करके वी की वैल्यू आ गई, इस v की वैल्यू को आपने यहां पुट कर देना है। तो जब आप v को यहां पुट करेंगे तो ये टर्म आएगा, इस टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या पुट कर सकते हैं, पोटेंशियल बाय d। अब ये पुट करने से d क्या हो गया, कैंसल। m b नॉट q जब अंडर रूट में जाएगा तो इसमें क्या बनेगा, m स्क्वायर b नॉट स्क्वायर q स्क्वायर। तो ये मैं अंडर रूट में ले गया, और चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन का, तो q की जगह e पुट कर दो, आंसर आ जाएगा जो प्रूव करना है। तो आपको ये प्रूव करना है। तो देखो ये मैथमेटिकल चीज़ें जो चल रही हैं, बेसिक जो चीज़ है शुरू कहाँ से करना है, शुरू इसकी कंडीशन यहाँ से चलेगी। इवन आप वेलोसिटी की वैल्यू को काइनेमेटिक्स से नहीं निकालना चाहते, मत निकालें, आप ऐसा भी कर सकते हैं, चार्ज इंटू पोटेंशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, क्यू इंटू वी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। तो पॉइंट सबको क्लियर है कि इसकी स्टार्टिंग क्या होगी और कैसे कैलकुलेशन चलेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें एक वायर है एबीसी, एबीसी ट्रायंगुलर फॉर्म में वायर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। फाइंड बी, आपको बी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कहाँ पर, सेंटर पे, ओ के सेंटर पे, एज्यूमिंग वायर टू बी यूनिफॉर्म। तो वायर यूनिफॉर्म है, अब इसमें होगा क्या, इसमें ये करंट आया, ये करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों वायर्स में, इसमें और इसमें, तो करंट कितना जाएगा, आई बाई टू और आई बाई टू। तो I by 2 करंट गया इधर से, I by 2 इधर से, I by 2 और फिर टोटल यहां पे चला जाएगा वापस I। क्लियर है यहां तक? मैंने ये अननेसेसरी सॉल्व किया, मेरे को जरूरत नहीं थी या आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। रीजन, यहां पर I by 2 करंट, यहां पर I by 2 करंट, मुझे यहां पर क्या निकालना है, B निकालना है। तो एक काम करते हैं, यहां पर करंट इस तरफ है तो B कैसे होगा, इसमें आउटसाइड करंट इस तरफ, B आउटसाइड,
यहाँ पर सेम अमाउंट ऑफ करंट है नीचे, तो बी कैसे होगा? इनसाइड, तो इसका अफेक्ट इनसाइड, इसका आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड अफेक्ट कैंसल, तो इन दोनों को तो छोड़ ही दे, सॉल्व क्यों करना, छोड़ो। अच्छा, इस वायर और इस वायर की बात कर लें, इस वायर में करंट इधर है तो बी कैसे है? आउटसाइड। इसमें करंट ऐसी है तो बी कैसे है? इनसाइड। तो इसका इसका अफेक्ट भी यहां पर क्या हो जाएगा? कैंसल। तो नेट आंसर क्या आएगा? जीरो। तो मैंने अननेसेसरी सॉल्व किया, जब मैंने सॉल्व कर दिया एंड में तो मेरे को ख्याल आया आंसर जीरो आ गया, फिर मैंने जब ऊपर मुड़ के देखा तो देखा कि इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, सिमेट्रिकल फिगर्स हैं, सिमेट्रिकल फिगर में करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन है, है ना, इधर है और इधर है, और सेंटर में भी पॉइंट है, तो आपस में इसकी कैंसलेशन हो ही जानी है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है कि सपोज टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास एम आर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। दो पार्टिकल्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड कितना है उनका? बी, और दे आर ऑफ ऑपोजिट साइन। ऑपोजिट साइन का मतलब एक चार्ज क्यू है, दूसरा माइनस क्यू है, क्यू एंड माइनस क्यू है। एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो द पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर विद द वेलोसिटी ऑफ वी। तो दो चार्जेस हैं, वी वेलोसिटी से एक दूसरे की तरफ को प्रोजेक्ट किए जाते हैं, तो ऑब्वियसली दे विल मूव इन अ सर्कल। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, दे विल मूव इन अ सर्कल। अब सर्कल में मूव करेंगे तो क्योंकि पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो एक अगर क्लॉकवाइज सर्कल बना रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज बनाएगा, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज है। ये भी क्लियर है यहाँ तक? तो ऐसा कुछ सर्कल बनाएंगे ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट। फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी वी एम सो दैट पार्टिकल डू नॉट कोलाइड, इनकी टक्कर ना हो। देखो कोई कहता है कि टक्कर ना हो, एक काम करते हैं हम इन्हें मूव ही नहीं कर पाते, चलो जी बात ही खत्म, वेलोसिटी जीरो जीरो पड़े रहेंगे, टक्कर नहीं होगी। मैंने कहा नहीं यार कुछ तो कर, क्वेश्चन सॉल्व करना है। कहते चलो ठीक है यार, थोड़ा मूव करवा देते हैं, हल्की सी वेलोसिटी देके मूव करवा दिया, तो ये देखो सर्कल कट गया, ये छोटा सर्कल देखा, कहते टक्कर नहीं हुई। मैंने कहा यार थोड़ी सी और वेलोसिटी दे, थोड़ी और दे दी, बड़ा सर्कल। अब मैंने कहा देख ऐसा तू टक्कर कभी करवाएगा नहीं, अब एक काम कर तू मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल, क्योंकि अगर तूने वेलोसिटी ज़्यादा कर दी फिर तो ये आपस में कैंसिलेशन हो, इनकी टक्कर हो सकती है कभी ना कभी घूमते हुए। तो तू इतनी वेलोसिटी दे कि ये आए, अब कम देगा अपने सर्कल बना लेंगे, मैक्सिमम वेलोसिटी दे ताकि ये ऐसा सर्कल बना के चले जाएं, अब इससे ज़्यादा देगा टक्कर हो जाएगी, कम देगा मैं अलाउ नहीं करूंगा, तो मैक्सिमम केस कर कि ये ऐसे सर्कल बना के चले जाएं। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे कि कोलाइड ना हो, क्योंकि अगर आपने वेलोसिटी इससे ज़्यादा कर दी तो ये ओवरलैपिंग एरिया में आ जाएगा, तो इनकी टक्कर हो सकती है। तो मेरा केस क्या बनेगा? ये ऐसे मूव करके चले जाएं। तो पॉइंट समझ में आया यहां तक? अब दोनों जब स्टार्ट हुए थे तो डिस्टेंस इनके बीच में क्या था? डी। जहां से स्टार्ट होते हैं उनका सेंटर होता है वो हमेशा, जब पार्टिकल जहां से मोशन स्टार्ट करता है तो इमेजिन करो जैसे यहां से स्टार्ट किया, इसके ऊपर क्या मिलेगा? इसका सेंटर। तो इनके सेंटर के बीच में डिस्टेंस क्या बनेगा? डी। पार्टिकल का अगर मान ले डी डिस्टेंस अपार्ट स्टार्ट हुए तो इनका सेंटर भी ऊपर ऊपर होगा, तो उनके सेंटर के बीच में डिस्टेंस भी क्या मिलेगा? डी ही मिलेगा। क्लियर है यहां तक? अब इसमें ये बताओ कि इसका रेडियस कितना है आर, इसका रेडियस भी कितना है आर, और रेडियस दोनों का सेम होगा क्योंकि पार्टिकल का चार्ज सेम है, तो टोटल डिस्टेंस सेंटर के बीच में कितना बनेगा? 2r। तो अगर आप ये केस को सॉल्व करना चाहते हैं तो इसका मतलब यहां पर 2r किसके इक्वल होगा? d, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है? d, और d किसके इक्वल होगा? 2r। तो d इज इक्वल टू 2r की कंडीशन लगा दी, तो रेडियस क्या होता है? रेडियस होता है mv बाय bq। तो यहां पर अगर ये कंडीशन ट्रू है तो रेडियस में जो वेलोसिटी होगी ऑटोमेटिकली क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। तो पहला पार्ट क्लियर है सबको? तो पहले पार्ट में इनकी टक्कर नहीं होगी, और तब नहीं होगी जब टोटल डिस्टेंस इनके बीच में 2r होगा और 2r d के इक्वल होगा। तो पहला स्टेप क्लियर है। इसी का दूसरा पार्ट है, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स अगर वेलोसिटी कितनी है? वी एम बाई टू। अब अगर वेलोसिटी वी एम डिवाइडेड बाई टू है, तो या अगर वेलोसिटी वी एम होती, अगर वेलोसिटी वी एम होती, अगर वेलोसिटी इसमें वी एम होती तो ये डायग्राम बनता, पार्टिकल एकदम ऐसे जाता, ऐसे जाता। अगर वेलोसिटी स्लो कर दें तो पार्टिकल ऐसे जाएंगे, पास भी नहीं आएंगे, दूर से निकल जाएंगे। वेलोसिटी कम कर दी ना, कम में तो दूर पास आ ही नहीं पाएंगे। तो दूसरे केस में डायग्राम ऐसा बनेगा, क्योंकि आपकी वेलोसिटी वी एम से क्या है? हाफ है। वी एम पे तो एकदम बॉर्डर ये वाला केस है ना, ऐसे टच करते हुए जाते हैं, टच भी नहीं, बिल्कुल पैरेलल चले जाते हैं।
तो इसमें वेलोसिटी कम की तो ऐसा सर्कल बनेगा, कोई डाउट? क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक? वो कह रहा है कि इनके बीच में मैक्सिमम और मिनिमम दूरी क्या होगी। अब देखने वाली बात ये है इसमें, जब ये मूव कर रहे होंगे ये सबसे ज़्यादा पास कब होंगे? जब एक पार्टिकल यहाँ होगा और एक पार्टिकल यहाँ, तो इनके बीच में दूरी सबसे कम है, तो मिनिमम डिस्टेंस इनके बीच में कितना है? अगर ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक डी है और ये आर और आर है, तो ये डिस्टेंस कितना बना? डी माइनस टू आर। तो ये कौन सा डिस्टेंस हुआ इनका? मिनिमम डिस्टेंस हो गया। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? इनमें जो मिनिमम डिस्टेंस है वो क्या होगा? डी माइनस टू आर होगा। अच्छा, इनमें मैक्सिमम क्या होगा? मैक्सिमम डिस्टेंस होगा जब ये पार्टिकल दूर यहां पे आ गया, ये भी अपने दूर यहां पे चला गया, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? इनका सबसे ज्यादा माना जाएगा। अब ये डिस्टेंस क्या होगा? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है? डी। इधर से ये डिस्टेंस कितना है? आर। और ये डिस्टेंस कितना है? आर। तो कुल मिला के टोटल डिस्टेंस कितना है? इधर से आर, डी और इधर से आर, यानी कि डी प्लस टू आर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो इनके बीच में जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो यहां और यहां के बीच में होगा। सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस मुझे पता है डी, इसमें ऐड कर देते हैं आर, इधर भी ऐड कर देते हैं आर, तो क्या होगा? मैक्सिमम डिस्टेंस डी प्लस टू आर। तो ये स्टेप क्लियर है, हमें निकालना क्या है? तो हमें निकालना है मिनिमम डिस्टेंस डी माइनस टू आर, हमें निकालना है मैक्सिमम डिस्टेंस डी प्लस टू आर। अब अगर ये निकालना है और वेलोसिटी कितनी रखनी है पार्टिकल की? मैक्सिमम वेलोसिटी बाय टू, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो ये करने के लिए रेडियस का फॉर्मूला क्या है? एम वी बाय बी क्यू। और वेलोसिटी कितनी रखनी है? मैक्सिमम बाय टू। मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ से आई? ए पार्ट से। ए पार्ट से मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? बी क्यू डी बाय एम। तो ये क्या आ गया आपके पास? सॉल्व करके यहाँ पर वैल्यूज पुट करके डी बाय फोर आर आ गया। तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई? डी बाय फोर। अब मुझे क्या निकालना है? मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा? डी माइनस टू आर, आर की जगह डी बाय फोर। मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा? डी प्लस टू आर, आर की जगह डी बाय फोर। आंसर, तो मिनिमम डिस्टेंस इनके बीच में डी बाय टू और मैक्सिमम डिस्टेंस के बीच में थ्री डी बाय टू। तो आपको लॉजिक समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक इसमें लगेगा, कि मिनिमम दूरी क्या होगी, मैक्सिमम दूरी क्या होगी। ठीक है यहाँ तक? अगला पार्ट वो कहता है इस बार मैंने वेलोसिटी मैक्सिमम से क्या कर दी? डबल कर दी। चलो अब तो इनकी टक्कर हो सकती है, क्योंकि वीएम पे ये केस बनता है, वीएम से कम पे ये केस बनता है, वीएम से ज्यादा पे ओवरलैपिंग सर्कल बनेंगे, तो कभी ना कभी टक्कर हो सकती है। ठीक है यहां तक? तो सारी गेम वेलोसिटी से पता लग रहा है कब टक्कर होगी अब कब नहीं होगी। तो अब मान लो टक्कर हो गई, वो कहता अगर टक्कर हो गई तो बोलो ये सेंटर में एंगल क्या बनाएगा पार्टिकल। चलो ये पार्टिकल यहां से चला, ये पार्टिकल यहां से जब सर्कल बनाने चले, सर्कल बनाना शुरू ही किया था, आपस में टक्कर हो गई, मान लो ये टक्कर हो गई, तो ये इनकी कोलिजन हो गई। अब जब ये इनकी कोलिजन हो गई तो रेडियस क्या है इसमें? आर एंड आर। एंगल क्या है? थीटा थीटा। तो अगर ये आर है तो ये क्या है? आर साइन थीटा। और अगर ये आर है तो ये आर साइन थीटा। अब इनके जब ये चले थे तो पार्टिकल में डिस्टेंस क्या था? डी। और मेरी ज्योमेट्री कहती है ये डिस्टेंस कितने? आर साइन थीटा प्लस आर साइन थीटा। तो अगर यहां पर टक्कर होती है तो ये इक्वेशन बिल्कुल ट्रू है, डी इज इक्वल टू टू आर साइन थीटा। तो इनकी कोलिजन हो जाती है और मुझे क्या निकालना है? साइन थीटा से थीटा निकालना है। ये करने के लिए मुझे रेडियस पुट करना पड़ेगा जो कि क्या है? एम वी बाय बी क्यू। आर इज इक्वल टू एम वी बाय बी क्यू में वेलोसिटी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और मेरे केस में वेलोसिटी कितनी है? टू टाइम्स वी एम। तो यहाँ पर वी की जगह टू टाइम वी एम ये पुट कर दिया। इसके अंदर वी एम की वैल्यू हम फर्स्ट पार्ट से निकाल चुके हैं, कितनी? बी क्यू डी बाय एम पुट कर दिया मैंने। सॉल्व किया इसे, सब टर्म्स कट गई और आपके पास क्या आ गया? साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, तो थीटा क्या आएगा? 30 डिग्री। पर बेसिक लॉजिक क्लियर है कि इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे आपने सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि हमने ये प्रॉब्लम पहले की नहीं थी, इस टाइप की प्रॉब्लम हमने की नहीं थी, तो एकदम डिफरेंट प्रॉब्लम है। ठीक है यहाँ तक? ये क्वेश्चन है जिसमें रेजिस्टेंस ऑफ ए बी सी, ए बी सी स्क्वायर है ये, ए बी सी की रेजिस्टेंस कितनी गिवन है? टू आर, नहीं सॉरी आर। और ए डी सी की रेजिस्टेंस कितनी गिवन है? टू आर। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, स्क्वायर वायर में ऐसा लगता है कि ऊपर और नीचे की रेजिस्टेंस सेम ही तो है। तो हम फटाफट क्या करते हैं, आई करंट आया, आई बाई टू और आई बाई टू, इतने में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो उसने जान के क्या किया, इसकी रेजिस्टेंस आर है और इसकी रेजिस्टेंस टू आर है। तो अब जो आई करंट आएगा वो इक्वली डिवाइड नहीं होगा, जिसमें रेजिस्टेंस कम है उसमें करंट ज़्यादा जाएगा और जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसमें करंट कम जाएगा। तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा आई करंट को इन रेशियो व्हाट? आर इज टू टू आर, वन इज टू टू में।
जब करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी से करंट डिस्ट्रीब्यूशन आपको आती है, तो करंट डिवाइड करेंगे तो इसमें जाएगा आई बाई थ्री, इसमें जाएगा टू आई बाई थ्री। बाकी क्वेश्चन नॉर्मल है। चार वायर्स लेनी है आपने, उनमें से ये पहली वायर है, पहली वायर के लिए यहाँ पे बी निकालना है। तो बाय सर्वेट लॉ की एप्लीकेशन है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकाल लेना, ए बाई टू होगा इसमें, एंगल 45 45, तो म्यू नोट बाई फोर पाई आई बाई ए बाई टू साइन 45 प्लस साइन 45, पर करंट क्या पुट करेंगे टू आई बाई थ्री। ऐसे इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे, सबके डायरेक्शन देखेंगे, नेट आंसर आएगा। पर मेरा काम ये बताना था कि देखते ही आई बाई टू मत कर देना, आर और टू आर की वजह से जो आपकी करंट की वैल्यूज हैं वो ऊपर और नीचे क्या जाएंगी, डिफरेंट जाएंगी। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है, करंट आई इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब एक ऊपर मेजरिंग कुछ टेंशन टूशन मेजर करने की मशीन लगा रखी है, जैसे फोर्स में यूज करते थे हम, और यहाँ पर क्या है, एक लूप है, एक वायर है, इसमें करंट है, इसमें आई करंट है, ठीक। बी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है इसमें, फाइंड चेंज इन टेंशन व्हेन करंट इज रिवर्स्ड। तो इसमें इस लूप का जो मास है वो एम है, तो वेट कितना है, एम जी, और इस स्ट्रिंग में क्या आ जाएगी, टेंशन टी, यहाँ पर टेंशन टी और यहाँ पर वेट एम जी, और करंट क्या जा रहा है इसमें, आई। अब एक चीज़ इसमें देखो कि अगर सपोज करो इस डायग्राम को देखा जाए तो इसमें करंट कहाँ जा रहा है, इस तरफ, एंटी क्लॉकवाइज पहले। तो इस वायर में करंट कहाँ पर है, इस तरफ, बी का है बोर्ड के अंदर, करंट कहाँ है, ये रहा, तो फोर्स कहाँ लगेगी, ऊपर, बी करंट फोर्स ऊपर, तो फोर्स ऊपर, तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर कितनी, बी आई एल, ऊपर लग गई। टेंशन तो यहाँ पर सदा ही ऊपर ही ऊपर है टेंशन, और वेट कहाँ पर है इसका, नीचे, इक्विलिब्रियम में मेंटेन्ड है सारा कुछ, तो ऊपर की फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू नीचे की फोर्सेस। तो ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस हैं, ऊपर है टेंशन, ऊपर है बी आई एल, और नीचे कौन है, वेट एम जी। तो पहले केस में टेंशन की वैल्यू क्या आ गई, एम जी माइनस बी आई एल, ठीक हो गया यहाँ तक। अब मैंने दूसरे केस में क्या किया, करंट को रिवर्स कर दिया, इधर की बजाय इधर कर दिया, इधर आने से क्या हुआ, बी आई एल जो ऊपर लग रही थी, बी आई एल अब नीचे लग गई। तो अब दूसरे केस में जब मैंने करंट की डायरेक्शन को चेंज किया आए, तो बी आई एल ऊपर की बजाय नीचे लग गई, टेंशन तो है ही ऊपर और वेट कहाँ पर है, नीचे। तो अब इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या बनेगी, टेंशन ऊपर है, वेट नीचे है, बी आई एल नीचे है, तो यहाँ से सॉल्व करके क्या आ गया, टी टू आ गया। तो यहाँ से सॉल्व करके टी वन आ गया, यहाँ से सॉल्व करके टी टू आ गया। तो आपको क्या निकालना है, चेंज इन टेंशन, टी टू पता है, टी वन पता है, दोनों को माइनस करके यू कैन कैलकुलेट चेंज इन टेंशन। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, ठीक। जैसे एक वायर है पी क्यू, एक वायर पी क्यू इस डायग्राम में गिवन है, ऑफ मास 10 ग्राम, एक वायर पी क्यू जिसका मास कितना है 10 ग्राम, और ये टॉप व्यू होते हैं, ये इस इन क्वेश्चन में ये रॉड ऐसे नहीं चल रही होती, ये रॉड ऐसे चल रही है रेल्स पे ऐसे, तो आपको टॉप से फोटो ऐसे दिखा रखी है, फोटो ही ऐसे है, चल ऐसे रही है, ठीक। तो इसके अंदर एक बैटरी लगी हुई है और ये रॉड मूवेबल है। अब वो क्या कह रहा है इसमें कि दो हॉरिजॉन्टल मेटल की रेल्स हैं सेपरेटेड बाय 4.9, तो ये जो डिस्टेंस है 4.9 मीटर्स है, मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रेजेंट है, बी की वैल्यू इसमें कितनी है 0.800 टेस्ला, ठीक है यहाँ तक। रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज डिक्रीज्ड एंड इट इज फाउंड दैट व्हेन रेजिस्टेंस गोज बिलो 20 ओम पी क्यू स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन द रेल। क्या हुआ इसमें, पहले ये वायर आराम से पड़ी हुई थी, इसमें करंट दौड़ रहा है क्योंकि आपने 6 वोल्ट की बैटरी लगाई है, इसमें करंट है, पहले ये चल नहीं रही रॉड, फिर चल पड़ी, ऐसा क्यों, पहले की प्रॉब्लम अब क्या हो गया, क्योंकि रेजिस्टेंस कम करने से क्या बढ़ा रॉड में, करंट, करंट बढ़ने से क्या हुआ, फोर्स एक्सपीरियंस करेगी ये रॉड कितनी, बी आई एल, तो बी आई एल में करंट बढ़ गया तो फोर्स की वैल्यू बढ़ गई जिससे मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो मान लेते हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल करंट को ऐसे इसमें पास कर रहा है आई, और आई की वैल्यू होगी क्या, वैसे आई की वैल्यू होगी 6 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस इस पूरे डायग्राम की कितनी है, वो कह रहा है 20, तो 6/20 आपके पास करंट आ जाएगा इसमें। तो इतने करंट पर ये रॉड मूव करती है,
ये करंट पॉजिटिव टर्मिनल ने नीचे पास किया तो बी बोर्ड के अंदर है, करंट नीचे है, फोर्स कहां पर है? राइट है, बी बोर्ड के अंदर है, करंट नीचे है, फोर्स कहां पर? राइट। तो ये आपके पास फोर्स की वैल्यू है कितनी? बी आई एल। तो ये फोर्स ने क्या किया, इस रॉड को मूव करवाना शुरू कर दिया, राइट। अब इसमें दो केस बन सकते हैं, अब ये लेवल ऑफ क्वेश्चन डिसाइड करता है। अगर तो ये एडवांस की प्रॉब्लम है वो तो नहीं छोड़ते, वो तो कहते हैं कि एक्सलरेट करेगी रॉड, और जब एक्सलरेट करेगी वो भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन भी दे सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जीरो से स्टार्ट हुई, फिर सोचो रॉड इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, उनकी मर्जी है, वो यूनिफॉर्म एक्सलेशन देंगे तब भी कोई आसान क्वेश्चन नहीं है। क्यों? क्योंकि जब रॉड इंक्रीज कर रही है अपनी वेलोसिटी, देयर विल बी एक्सलेशन। तो कैलकुलस की प्रॉब्लम हो जाएगी कि फाइंड वेलोसिटी, तो एक्सलेशन निकालने के लिए आपको न्यूटन का लॉ लगाना पड़ेगा, आगे की फोर्स माइनस पीछे की फोर्स इज मास इनटू एक्सलेशन, और एक्सलेशन को डीवी बाय डीटी करके इंटीग्रेट करके वी निकलता है। मेंस में भी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा नहीं कि एडवांस है, मेंस के अंदर भी एक ठीक लेवल की प्रॉब्लम आ सकती है। पर मेरी प्रॉब्लम बड़ी सिंपल है, मैं ये, आप मन में सोच रहे होंगे रॉड भाग रही है, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ करंट इतना पास किया कि रॉड अपनी जगह से हिल गई। अगर वो इतनी सी हिल भी गई ना, जिसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के चैप्टर में लास्ट ईयर हम ऐसा बहुत क्वेश्चन करते थे, ब्लॉक इज जस्ट एबल टू मूव, वो जस्ट एबल टू मूव का मतलब है भैया वो भाग नहीं रहा, बस वो अपनी जगह से हिल गया। हिलने का मतलब क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट, नो एक्सेलरेशन। तो उसने कहा रॉड इतना रेजिस्टेंस को घेरा कि रॉड हिल गई, और वैसे भी उसने एक्सेलरेशन का मेंशन भी नहीं किया, नहीं तो बोलता एक्सेलरेट कर रही है। तो इसका मतलब मैं क्या मानूंगा, वेलोसिटी मेरी कांस्टेंट है, हल्की सी हिली है। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो। एक्सेलरेशन जीरो में नेट फोर्स क्या होगी? जीरो। एक्सेलरेशन जीरो तो फोर्स भी जीरो है। अब इसमें एक फोर्स जो मूव करवा रही है वो कितनी है? राइट की तरफ, बी आई एल। और कौन इसको रोक रहा था मूव करने से? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर बी आई एल इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दोनों बराबर हो जाएं, तो उस केस में रॉड इज जस्ट एबल टू मूव, यानी कि वेलोसिटी क्या रहेगी? कॉन्स्टेंट। और अगर इसमें एक्सेलरेशन होती, अगर इसमें वो कहता है एक्सेलरेशन लेनी है, तो बी आई एल बड़ा होता, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन छोटी होती, तो आप अपनी प्रॉब्लम को ऐसे करते, बी आई एल माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर एक स्टेप और होता है, एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं? डीवी बाय, फिर टाइम के साथ उसका कोई फंक्शन आता वेलोसिटी का, वो फिर नॉन मेडिकल की प्रॉब्लम, मेडिकल में तो नहीं आता, बट पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। पर इसने कुछ बोला ही नहीं, तो वेलोसिटी कांस्टेंट में तो कुछ करना ही नहीं है, आगे और पीछे की फोर्स बराबर, सारी वैल्यूज गिवन है, म्यू कैन बी कैलकुलेटेड, क्योंकि इस क्वेश्चन में म्यू ही तो निकालना था, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है यहाँ तक? तो कैसे लॉजिक लगेगा, समझ में आ रहा है? ठीक है, एक क्वेश्चन है, अ वायर कैरिंग करंट इज केप्ट इन एक्स वाई प्लेन सच दैट, ये वायर है, करंट कैरिंग वायर एक्स वाई प्लेन में है, और ये करंट कैरिंग वायर की शेप है ये वेव फॉर्म की तरह है, और उस वेव फॉर्म की इक्वेशन वो दे रहा है आपको। ठीक है, इक्वेशन दे रहा है, बी बोर्ड के अंदर है, आपको फोर्स निकालनी है कहां और कहां? जीरो से लेके लैम्डा कॉमा जीरो। तो ये डायग्राम गिवन है, ये क्या है? लैम्डा कॉमा जीरो। मुझे नहीं लगता इस वेव फॉर्म की कुछ मुझे चाहिए भी, क्योंकि मैंने तो शॉर्टकट किया हुआ है, मैंने क्या करना, वेव की लेंथ कैलकुलेट करके मैं क्या करूंगा? मेरे को पता है कि अगर आप मुझे इसमें फोर्स निकालने को कहोगे तो मैं इसमें ज्वाइन करूंगा इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल फाइनल पॉइंट इसमें कितना है? लैम्डा। तो बी की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू इसमें क्या बनेगी? एफ इज इक्वल टू बी आई लेंथ की जगह लैम्डा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? तो एफ इज इक्वल टू बी आई इंटू लैम्डा। तो वेव की इक्वेशन कन्फ्यूज करने के लिए नहीं चाहिए, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। और अगर मान लो ये कोऑर्डिनेट नहीं भी गिवन, ये भी हो सकता है कि आपको ये कोऑर्डिनेट ना दे, पर आपको बेसिक तो पता ही है कि वेव की लेंथ को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ लैम्डा ले लेना, तब भी आंसर लैम्डा के साथ ही होगा। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, ये क्वेश्चन टॉर्क की प्रॉब्लम्स हैं, अभी हमने नहीं की। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की प्रॉब्लम है, ये भी नहीं की, तो इस शीट को संभाल के रखो, जब हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कर लेंगे तो इन क्वेश्चन को मैं बाद में डिस्कस करूंगा।